नमस्कार फ्रेंड्स, आरएस ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप यहां देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर कॉन्स्टेबल फायर 2024 मेल, यहां पर बात करने वाले हैं पेमेंट फेल्ड हो गया है या फिर कट गया है, फॉर्म का प्रिंट आउट नहीं निकल पा रहा है, तो इस एरर का समाधान कैसे करेंगे। अगला स्टेप आपके सामने जो है पेमेंट का है, यू आर प्रोसीडिंग टूवर्ड्स पेमेंट ऑफ फी, प्लीज डू नॉट रिफ्रेश क्लोज द पेज टिल रिसीव सक्सेसफुल मैसेज। तो किसी प्रकार से आपका सिस्टम, लैपटॉप, मोबाइल बंद नहीं होना चाहिए, रिफ्रेश नहीं करना है, प्रोसीड टू पे पर है। और यदि आप पहले से पेमेंट कर चुके हो तो यहाँ देखिए चेक पेमेंट स्टेटस इफ़ ऑलरेडी पेड, तो यहाँ से अपना पेमेंट स्टेटस को चेक कर सकते हैं। 24 से 48 घंटे हो चुके हैं, पेमेंट अपडेट नहीं हो रहा है, लास्ट टाइम नज़दीक है, तो आप दोबारा से पेमेंट कर सकते हैं, हेल्पलाइन नंबर का यूज़ कर सकते हैं जो कि होम स्क्रीन पर दिया रहता है। तो सबसे पहले यहाँ पर न्यू फ्रेशर कैंडिडेट की बात कर लेंगे, यहाँ पर प्रोसीड टू पे रेट्स 100 पर क्लिक करेंगे और अगला स्टेप जो है आपका पेमेंट का होगा। तो यहाँ पर पेमेंट गेटवे का पोर्टल आ चुका है, यहाँ पर देखिए नेट बैंकिंग है, स्टेट बैंक डेबिट कार्ड है, UPI है, किसी भी मोड का आप यूज़ कर सकते हैं। यदि समय सही है, लास्ट डेट से पहले, साइट बिजी नहीं है, साइट बिजी जा रही है तो कृपया पेमेंट ना करें, साइट जब अच्छी चले नेट में तब पेमेंट करें। अब लास्ट टाइम है तो फिर मशक्कत करनी पड़ेगी, समय से पहले करेंगे तो इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तो हमने यहाँ स्टेट बैंक डेबिट कार्ड पर क्लिक किया है। अगला स्टेप आपका जो है कंफर्म का है, कंफर्म करेंगे, फिर से एक बार ऑप्शन आएगा, कंफर्म करेंगे ATM के लिए, ठीक है। यदि अभी QR कोड से कर रहे हैं तो सीधा वहाँ QR कोड स्कैन करना होता है, झट से पेमेंट कर देना होता है, रिडायरेक्ट होकर आपके सामने कंप्लीट फॉर्म आ जाता है। तो यहाँ जैसे हमने कंफर्म किया उसके बाद हमें डिटेल्स को फिल करना होगा, यहाँ पर कार्ड की डिटेल को फिल करेंगे और पे नाउ बटन पर क्लिक करेंगे। किसी भी बैंक का डेबिट कार्ड आप यहाँ पर यूज़ इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमने यहाँ स्टेट बैंक का डेबिट कार्ड को यूज़ किया है, आप अदर डेबिट कार्ड को यूज़ करेंगे तो वहाँ पर आप किसी भी बैंक का यूज़ कर पाएंगे। अगला स्टेप आपके सामने है, OTP आ चुका, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो भी अकाउंट में लगा हुआ है OTP को डालेंगे, मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे, पेमेंट सक्सेसफुल होता है, 60 सेकंड का समय लगता है रिडायरेक्ट होने में, उसको समय दिया रहना होता है। यदि कुछ छेड़खानी कर दी या फिर आपने टच कर दिया, बंद हो गया, तो वो पेमेंट आपका फंसने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए कुछ भी ना करें, रिफ्रेश ना करें, ऐसा ही चलने दें, पेमेंट कटने के बाद ऑटोमेटिकली वो रिडायरेक्ट हो जाता है। तो अगला स्टेप आपके सामने है, तो अगले स्टेप में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है, डेट भी दिया गया है, लाइव पेमेंट स्टेटस आपके सामने है, कंप्लीटेड सक्सेसफुली है। और यहाँ पर देख सकते 60 सेकंड का टाइम लगेगा, CIS सब साइड इन 60 सेकंड में रिडायरेक्ट होगी, ऐसे में आपका PC लैपटॉप बंद नहीं होना चाहिए। यदि पेमेंट सक्सेसफुल यहाँ देख रहे हैं कंप्लीट सक्सेसफुली है और ऐसे में कंप्यूटर बंद हो गया PC लैपटॉप, तो आप वहाँ पर एक कंप्लीट जो पेड आप कर चुके हैं वहाँ पर अपना नंबर डाल के उस पेमेंट को आप अपना अपडेट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था। लॉगिन करने के बाद आपको ऑप्शंस वहाँ देखने को मिल जाता है, तो 60 सेकंड का पेमेंट आपका अपडेट हो जाएगा। जैसे ही 60 सेकंड का टाइम पूरा होता है पेमेंट आप देख सकते हैं, दिस पेज विल रिडायरेक्ट आफ्टर डिले ऑफ 10 सेकंड ऑटोमेटिकली। यदि 10 सेकंड तक यदि आप कुछ एक्टिविटी नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका रिडायरेक्ट होकर होम पेज यानी कि फाइनल प्रिंट आपके सामने आ जाता है। तो यहाँ देख सकते हैं 60 सेकंड जैसे ही पूरे हुए तो पेमेंट सक्सेस हुआ है, और सक्सेस होने के बाद या तो क्लोज कर दीजिएगा या फिर 10 सेकंड वेट कर लीजिएगा, जैसे ही वेट करते वैसे ही पेज आपके सामने आ जाता है, सक्सेसफुल प्रिंट आउट हो गई। यदि इन केस यहाँ फेलर लिखकर आ रहा है, प्रिंट आउट सक्सेस नहीं हुआ है, तो ऐसे में आपको क्या करना होगा, वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि जब हम पे करते तो उसके नीचे इफ़ ऑलरेडी पेड करके ऑप्शन आता, जहाँ से आप ट्रांजेक्शन जो ऑलरेडी कर चुके हैं वहाँ पर अपना नंबर डालकर पेमेंट स्टेटस को चेक कर सकते हैं। यदि आप पहले से पेमेंट कर चुके हैं तो वहां से पेमेंट वेरीफाई हो जाता है। यदि आपने ध्यान नहीं दिया है तो वीडियो की स्टार्टिंग में जाइए और फिर से वीडियो को देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब यहां पर पहुंचते हैं होम पेज पर, जहां पर प्रिंट आउट हमें निकालना होता है। इस प्रकार आपके सामने देख सकते हैं प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म रिक्रूटमेंट कॉन्स्टेबल फायर मेल 2024 CIS प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि विद फीस के या फिर फीस नहीं कटी है, SC ST है तो भी यहाँ प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। जब प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म आएगा तो आपका प्रिंट सक्सेसफुल माना जाएगा। यदि यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म नहीं आ रहा है, अप्लाई फॉर्म का बटन आ रहा है, इसका मतलब फॉर्म आपका पेंडिंग है, फीस अभी आपका अपडेट नहीं हुआ है। तो जिनका अपडेट नहीं हुआ है तो वो जैसे ही अप्लाई पर क्लिक करते हैं तो वहाँ पर उन्हें पेमेंट का स्टेटस देखने को मिल जाता है। कुछ इस प्रकार से स्टेटस देखने को मिलेगा जब पेमेंट आपका फेल्ड हो जाता है और वहाँ पर अप्लाई बटन मिलता है प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म जगह, तो जैसे ही क्लिक करते हैं तो इसके सामने ये आ जाता है। तो आप प्रोसीड टू पे ना करके चेक पेमेंट स्टेटस यहाँ पर क्लिक करेंगे इफ़ ऑलरेडी पेड,
और यहाँ पर डिटेल भर के अपना वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई हो जाएगा तो प्रिंट आउट आपका ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। लास्ट टाइम नोटिस आ चुका है, पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, अपडेट नहीं हो पा रहा है, हेल्पलाइन नंबर, ईमेल सब कुछ आपका फेल्ड हो चुका है, किसी प्रकार से आप असफल रहे हैं, तो आप दोबारा से पेमेंट कर दीजिए जब साइट अच्छी चले, जिससे कि फॉर्म आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। अब आपको दिखाते हैं फाइनल पेमेंट विद प्रूफ विद पेमेंट सक्सेसफुल के साथ। तो सबसे पहले वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर कॉन्स्टेबल फायर, यदि आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो न्यू रजिस्टर पर जाएंगे, यहाँ से रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट कर लेते हैं। तो कॉन्स्टेबल फायर पर क्लिक करेंगे, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड को डालकर कैप्चा फिल करते हुए सबमिट करेंगे। तो पेज ओपन हो गया है और चूंकि यहाँ सक्सेसफुल हो चुका है प्रिंट आउट, तो यहाँ प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म में क्लिक करेंगे, 100% फाइनल प्रिंट विद पेमेंट के आपके सामने होगा। आप देख पा रहे हैं 100% फाइनल प्रिंट जो है आपके सामने है। और अब लिए चलते हैं जहाँ पर पेमेंट्स की डिटेल है, पेज की बॉटम में। तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पेज के बॉटम से थोड़ा ऊपर देखिए पेमेंट की डिटेल यहाँ दी हुई है और ये 100% प्रूफ है कि आपका प्रिंट आउट डन सक्सेसफुल हो चुका। जब भी पेमेंट आपका अपडेट होगा, जब भी फॉर्म सक्सेसफुल होगा, तो पेज के स्टार्टिंग में और पेज के बॉटम में देख सकते हैं पेमेंट का सबसे बड़ा प्रूफ है, यहाँ साइन दिए गए हैं और नीचे देखेंगे तो और भी साइन दिए गए हैं। और जब भी डैशबोर्ड पर पहुंचेंगे तो वहां प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का बटन आपको देखने को मिल जाता है, जो ये सिद्ध करता है कि आपको प्रिंट आउट क्लियर है। तो पहला स्टेप कौन सा था, होम पेज पर जब लॉगिन करते हैं तो प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का बटन एक्टिवेट होना चाहिए, उसके बाद जब प्रिंट ओपन करते हैं तो इस प्रकार की डिटेल आप देख सकते हैं, पेमेंट सक्सेस वाला ये ऑप्शन भी एक्टिवेट यहाँ पर होना चाहिए। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं वेलकम जो लिखा हुआ है और हाइपर लिंक हैंड का निशान बन गया, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सीधा आप आ जाएंगे होम पेज पर। तो यहाँ देख सकते हैं प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, ये एक दूसरा सबसे बड़ा प्रूफ है कि आपका जो फॉर्म है वो फाइनली सबमिट है। जब क्लिक करते हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी दिखाया है, इस प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करने पर जब भी फॉर्म अपडेट होगा, जब भी फॉर्म सक्सेसफुल होगा, तो प्रिंट एप्लीकेशन का बटन होगा सबसे पहले, और दूसरा जो है नीचे आप जब पेज के बॉटम में जाते हैं यहाँ पर क्लिक करने के बाद, जैसा कि मैंने आपको अभी दिखाया, तो वहाँ पर प्रिंट में जो है पेमेंट की डिटेल्स भी ज़रूर होनी चाहिए। तो ये दो सबसे बड़े प्रूफ होंगे कि आपका फॉर्म जो है 100% फाइनल डन सक्सेसफुली है। तो फ्रेंड्स वीडियो आपको कैसा लगा, यदि पसंद आया है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।